बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आता है कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड या फिर येल। लेकिन लगभग 1500 साल पहले ये कहानी कुछ और ही थी। इस कहानी को बदलने का काम कहीं और की यूनिवर्सिटी ने नहीं बल्कि भारत की ही यूनिवर्सिटी ने किया था। इस विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही खास और या फिर यूं कहें बहुत ही डरावना है। यहाँ पर छात्र छात्राएं जो भी आते थे वो एक पर्टिकुलर भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से आते थे, अलग अलग देशों से आते थे। 12वीं शताब्दी तक ये यूनिवर्सिटी भारत की ही एक तरीके से कह सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, बिल्कुल ही जला के राख कर दिया था। बख्तियार खिलजी अफगान के खिलजी कबीले से बिलोंग करता था। ये 1193 में भारत आया था। इसे दिल्ली सल्तनत पे हुकूमत करनी थी, लेकिन इसे कोई ऐसा कोई खास मौका नहीं मिल रहा था जिससे इस सल्तनत पे हुकूमत कर पाए। तो इसने छोटी मोटी जंगें लड़ी और इन जंगों में जीत कर आया। और इसकी ये वीरता को देखकर औध के मालिक ने इसे अपनी सेना और राज्य में जगह दे दी। और इसके बाद खिलजी की किस्मत पूरी तरीके से बदल गई। इसे ना सिर्फ यहाँ पर जगह मिली बल्कि इसे इसकी जहांगीरें भी मिली। और इसने वहाँ के आसपास के इलाकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और साथ ही बिहार को भी कब्जाने की कोशिश करी। वहाँ बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होती है नालंदा विश्वविद्यालय की साथ हुई दुर्घटना की कहानी। इन्हीं लड़ाइयों के बीच में बख्तियार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसके साथ जो भी हकीम और वैद्य आए थे वो भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। पर इसने किसी से सुन लिया था कि इसकी जान अब सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो थे नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र। यही थे जो इसकी हालत को सुधार सकते थे, इसके इस बीमारी का इलाज कर सकते थे। पर इसको बख्तियार खिलजी ने पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, बिल्कुल ही इसने नकार दिया। पर जब हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी तो इसको मजबूरन उनके पास जाना पड़ा। उनके पास जाने के बावजूद इसने अपनी अकड़ को नहीं त्यागा और इसने उनसे ये कह दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे बिना दवाइयों के ठीक करके दिखाइए। और इस बात को वहाँ के आचार्य जी ने एक्सेप्ट कर लिया और बोल उनको एक कुरान दे दी पढ़ने के लिए। और जब वो कुरान पढ़ता था उसके बाद कुछ समय बाद वो कुरान पढ़ते पढ़ते उसकी हालत ठीक होने लग गई। और फिर जब उसको ये देखा, उसने ये चीज़ जानी कि मेरी कुरान पढ़ते पढ़ते हालत ठीक हो गई, तो वापसी आचार्य जी के पास गया और उसने पूछा ये आपने कैसे किया। तो आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने जो कुरान उसको दी थी उसी के पन्नों पर उन्होंने दवाई लगा दी थी और जब वो पन्ने पलटता था या उसको पढ़ता था तो वो दवाइयां उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती थी। और ये सुनकर बख्तियार खिलजी के होश उड़ गए और वो एकदम से चौंक गया और उसने सोचा कि उसके मुल्क से बाहर अलग देशों में और अलग धर्मों में इतना ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है जो कि उनके लोगों को भी नहीं पता। फिर खिलजी के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं क्यों ना यहाँ को अगर मुझे कब्जाना है, इस जगह को अगर मुझे अपने अंडर लेना है तो मैं यहाँ के ज्ञान जो कि एक किसी भी देश की नींव होती है उसी को खत्म क्यों ना कर दूं। और फिर उसने शुरू किया नालंदा पर हमला करना और उसने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। आप ये सोचिए उस विश्वविद्यालय को जहाँ ज्ञान का पूरा भंडार था उसको जलाने के बाद भारत की क्या हालत हुई होगी। किसी भी चीज को अगर आप जलाओगे तो कितने समय तक जलेगी, एक दिन, दो दिन, एक महीने या दो महीने। लेकिन ये जो लाइब्रेरी थी, जो इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी थी, जलती रही पूरे 3 महीनों तक। जी हाँ, और इसके इस समय से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्ञान था। जी हाँ, यहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर किताबें 1 लाख या 2 लाख, 50,000, 10,000 ऐसी गिनतियों में नहीं थी, इस गिनती से काफ़ी आगे थी। ये थी 90 लाख और इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। और इनको चलने में लगभग पूरे 3 महीने का समय लगा था। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर इतनी खास थी नालंदा यूनिवर्सिटी तो इसके अंदर ऐसा था क्या, क्या था इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नालंदा शब्द 3 संस्कृतिक शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, और इसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाला ज्ञान का तोहफा। जी हाँ, यहाँ पे ज्ञान बहुत सारा था और इसी के वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी में अलग अलग देशों से करीब करीब 10,000 छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। और ये यूनिवर्सिटी करीब 1500 साल से खड़ी थी जब तक यहाँ पे बख्तियार खिलजी नहीं आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत गुप्ता डायनेस्टी के दौरान हुई थी और ये जो यूनिवर्सिटी थी ये एक अलग तरीके की यूनिवर्सिटी थी। ये ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे रहने और पढ़ने का जो साधन था, जो भी सुविधाएं थी वो उपलब्ध थी। अगर आप ये सोचते हैं कि आज के समय में आपको हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पर इस यूनिवर्सिटी पे कोई भी चीज़ के लिए किसी भी छात्र छात्राओं को शुल्क नहीं देना होता था। उनका रहने का खर्च और पढ़ने का खर्च कई बार तो वहाँ के
राजा महाराजा या जो भी उस जगह पे शासन कर रहे होते थे वो देते थे। जो लोग खिलजी के अत्याचार से बच गए थे वो उसके बाद तिब्बत चले गए, और यहाँ तक कि दलाई नामा ने भी इस बात पे मुहर लगाई है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी की परंपरा थी वही परंपरा अब तिब्बतीन यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो करी जा रही है। जो उनकी बौद्ध यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी वही नालंदा यूनिवर्सिटीज़ की परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। आर्यभट्टा भी इस विद्यालय में प्रमुख रह चुके थे, और ये इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में कितना सारा ज्ञान होगा। इस विश्वविद्यालय के अंदर ना सिर्फ धर्मों के बारे में बल्कि थियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, लिटरेचर, लॉजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे विषयों को पढ़ाया जाता था जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आप उसकी लाइब्रेरी की 90 लाख किताबों की संख्या से अंदाजा लगा ही सकते हैं। किसी पर भी अपनी तानाशाही दिखाने के लिए या फिर उस जगह को कब्जाने के लिए आप वहाँ की नींव या फिर ज्ञान को ही ख़त्म कर दो।